सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनलॉक चैनल। और आज का व्लॉग एंटरटेनमेंट के सिवा इन्फॉर्मेशनल होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी क्वेरीज आती है मेरे लिए, मेरे रिगार्डिंग, लाइक स्किन के प्रॉब्लम के रिगार्डिंग। आपकी स्किन ऐसी क्यों है, आपकी स्किन में इश्यूज नहीं होती, आपकी स्किन पे ग्लो है, पिंपल्स क्यों नहीं होते। तो भाई मेरे को सब होता है, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। स्किन प्रॉब्लम एंड इश्यूज एंड जो भी पिंपल्स, स्पॉट्स, मार्क्स, सब कुछ सारी बातें करते हैं, स्किन के बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए ब्लॉग, बिकॉज मेरे को भी पता बाद में चला, बहुत लेट हो गया। सो आई वॉन्ट कि आपको पता चल जाए बहुत सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिससे आपकी स्किन अच्छी लगे, लाइक स्किन प्रॉपर अच्छी लगे। चलो स्टार्ट करते हैं मेरी हिस्ट्री से कि मेरे को इतनी प्रॉब्लम कैसे हुई और क्या क्या चीजें हुई, क्योंकि मेरे को बहुत पिंपल्स थे पहले। पिंपल्स भी होते थे, डस्ट, एलर्जी, सब कुछ होता था। तो हिस्ट्री क्या है, मैं शुरू से स्पोर्ट्स में था, स्पोर्ट्स मेरे से छूटते नहीं, तो स्पोर्ट्स की वजह से डस्ट, एलर्जी, कभी ये कभी वो इश्यूज बहुत होते थे। टैन तो मैं बहुत ज्यादा रहता हूँ, अभी भी रहता हूँ, हाँ टैन ही है। तो क्या होता था कि अभी भी बाइकिंग में इतनी करता हूँ, रोड का पॉल्यूशन, डस्ट एंड यू नो पॉल्यूटेंट्स जो होते हैं, जो स्किन में आ जाते हैं पोर्स में, वो बहुत इश्यूज कर देते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द कॉजेज एंड द क्योर, दोनों की बात करेंगे। बिकॉज कॉजेज जिससे आप अवेयर रहें, एंड क्योर जिससे आप पहले ही क्योर ले लें, जिसकी वजह से आपको स्किन की प्रॉब्लम्स हो ही ना, आप पहले ही सॉल्व कर सकते हैं कि आगे क्या इशू ही ना हो, स्किन ग्लो करे, स्किन अच्छी लगे, पिंपल्स फ्री हो, अच्छा हो। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर लेवल इनटेक बहुत मैटर करता है। आप पानी कितना पीते हो, उससे बहुत सारे इश्यूज सॉल्व होते हैं, स्किन पे ग्लो रहता है, आपके स्टमक में डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है बेसिकली। तो वाटर लेवल इनटेक करें अच्छा, और अपनी बॉटल कैरी करें, बिकॉज मैं भूल जाता हूँ 5-6 घंटे तक मैंने पानी कब पिया था, तो वाटर बॉटल कैरी करने साथ में ईजी रहेगा। सेकेंड चीज मैं बताता हूँ आपको, डाइट। ये देखो कितनी बुरी तरह खाया हुआ हमने। सेकेंड चीज डाइट, लाइक आई लव पिज़्ज़ा मार्गरिटा। तो बेसिकली क्या होता है, हम डाइट फॉलो नहीं करते, जिसके वजह से बहुत सारे इश्यूज होते हैं। लेट मी ईट फर्स्ट, ये डन। सो मैं देखो मैं अभी भी नहीं छोड़ पा रहा। तो बहुत सारे इश्यूज होते हैं, हम ऑयल खाते हैं, बहुत सारा फास्ट फूड खाते हैं, जिससे हमारी स्किन प्रॉब्लम होती है। लाइक इस वाले पार्ट में हमारे स्किन की प्रॉब्लम होती है, लाइक यहाँ पे पिंपल्स आ जाते हैं, बहुत सारी दिक्कत होती है, यहाँ पे भी आते हैं। वो सारे स्किन की दिक्कत फूड की वजह से होता है, आपकी डाइट की वजह से। प्लीज बैड फैट ना लें, थोड़ा बहुत फैट चलेगा, बट इतना ज्यादा ऑयली या गलत फूड ना खाएं कि आपकी स्किन पे इश्यूज हो, क्योंकि दिखता है, स्किन का दिखता है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है वेदर। लाइक आई एम इन मुंबई, मुंबई में क्या है, ह्यूमिडिटी है, ह्यूमिडिटी में बैक्टीरिया ज्यादा ग्रो करते हैं, तो आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। लाइक आप ह्यूमिड टेम्परेचर में लाइक हो, अगर वेदर में हो, लाइक आई एम इन मुंबई, सो आपको स्किन को क्लीन रखना पड़ेगा बार बार, कि ह्यूमिडिटी की वजह से बैक्टीरिया ग्रो ना करें। सो अभी क्या है, सबकी जगह का अलग अलग वेदर है, तो आपको ध्यान देना पड़ता है, वेदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फोर्थ थिंग जो मैं बात करूंगा, वो आजकल के यूथ के लिए बहुत मेजर है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेस, लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये तीन पॉइंट आते हैं इस पॉइंट में। स्ट्रेस बेसिकली ये छोटे छोटे बच्चे हैं, स्ट्रेस इतना ले लेते हैं, पता नहीं उनके बिजनेस चल रहे हैं या पता नहीं क्या बनने वाले हैं। तो भाई स्ट्रेस मत लो यार, मैंने भी देखा 18-19 साल के बच्चे इतने स्ट्रेस लेते हैं, क्यों भाई, क्या जरूरत है, रात को सोते नहीं है। मैं भी नहीं सोता बिकॉज आई एम वर्किंग, बट मैं ख्याल रखता हूँ। देखो मेरे यहाँ पर कोई भी डार्क सर्कल नहीं है इतने ज्यादा, बिकॉज मैं ख्याल रखता हूँ, अपनी स्लीप कहीं ना कहीं कवर अप करता हूँ, लाइक आई एम वर्किंग देन ऑल्सो। थर्ड एक्सरसाइज करने के बाद क्या होता है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, जब मैं एक्सरसाइज ज्यादा करता हूँ तो मेरी स्किन के पोर्स खुलते हैं, क्लीन दिखती है, एंड बहुत अच्छा ग्लो आ जाता है। तो एक्सरसाइज करो, इजी रहेगा आपके लिए, स्किन ग्लो करेगी। और अब आते हैं एक और पॉइंट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप फेस वॉश कौन सा यूज करते हैं। लाइक मेरे डैड मेरे को बोलते हैं अभी तक कि एलोवेरा यूज करो, मेरे घर पे एलोवेरा प्लांट है, जिनकी हम लीव कट करते हैं, उसके अंदर जेल होता है, उसको फेस पे रब करते हैं, वो बिल्कुल नेचुरल है, स्किन बहुत अच्छी रहेगी, कोई इशू नहीं होंगे, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है मेरे भाई हर स्किन टाइप के लिए। बट हर टाइम वो कैरी करना बहुत इम्पॉसिबल है, लाइक आप प्लांट लेके साथ नहीं चलोगे। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आयुर्वेदिक प्रोडक्ट यूज करता हूँ, जिसमें बहुत सारे केमिकल्स नहीं होते। रिसेंटली मैं आपको बताता हूँ, आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट, ये यूज कर रहा हूँ, आई एम यूजिंग दिस प्रोडक्ट। ये पहला प्रोडक्ट नहीं है इस ब्रांड का जो मैं यूज कर रहा हूँ, मैं बहुत यूज कर चुका हूँ, बट ये इसका फायदा क्या, फेस वॉश का मैं बताता हूँ आपको क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल आयुर्वेदिक यूज करें, आयुर्वेदिक है। सेकंड थिंग, केमिकल्स अवॉइड करें, सल्फेट एंड पैराबेंस। इसका बताता हूँ सल्फेट क्या होता है। बेसिकली सल्फेट इज अ यू कैन से एक क्लींजिंग एजेंट है एंड फॉर्मिंग एजेंट है, जो यूज होता है सारे फेस वॉश, शैम्पूज में, इन सब में। एंड पैराबेंस क्या होता है, ये होते हैं एक टाइप के यू कैन से प्रिजर्वेटिव्स, जो इसको लॉन्ग लास्टिंग रहता है। तो ये दोनों केमिकल्स इसमें नहीं है, जिससे क्या केमिकल्स यूज कम करोगे, आपकी स्किन नेचुरल रहेगी, वो फॉर आयुर्वेदिक। एंड अभी मैं बताता हूँ इसके क्या क्या चीजें हैं, ये ऑल स्किन टाइप के लिए,
आप सारी स्किन स्पेसेस यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, इससे आपको इरिटेशन इचिंग नहीं होगी जो बहुत सालों से हो जाती है, इससे नहीं होगी। एंड थर्ड, केमिकल्स फ्री, जो मैंने आपको बताया आयुर्वेदिक है, बहुत अच्छा पॉइंट है। अभी मैं आपको इसका करके दिखाता हूँ कैसे यूज होता है, कैसे चीजें होती है, कैसे फेस वॉश यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। और चलो चल रहे हैं। तो बात करते हैं फेस वॉश कैसे करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फेस वॉश करने से पहले जो आपको वाटर होता है, जब पहले आप फेस वॉश करते हो तो हल्का सा वार्म है, लाइक रूम टेम्परेचर हो या रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा, उससे क्या होता है आपकी स्किन के ना पोर्स खुल जाता है, जिससे आप अच्छे से फेस क्लीन कर सकते। लाइक वार्म वाटर से फेस वॉश करें एंड इसको ऐसे हाथ पे लिया एंड सर्कुलर मोशन में रब करें। सो मैं फेस वॉश करता करता आपको एक और बात बता दूं कि ये बेबी प्रोडक्ट है, तो अगर बाई चांस गलती से आंख में चला भी जाए तो कोई इरिटेशन या रेडनेस नहीं होगी, जैसे हो जाती है कभी कभी। एंड एक और चीज, इसमें पिंपल्स और एक्ने से फाइट करने के लिए एजेंट होता है जिसे कहते हैं सैलिसिलिक एसिड, वो इसमें है जिससे हमारे एक्ने और पिंपल्स नहीं होते। सो और मुस्टैच फेस वॉश अच्छा है, इसके बाद से कुछ सेकंड तक कोल्ड पे रखें, इससे स्किन और अच्छे से क्लीन हो सके, जो हमारा ये फेस वॉश है वो एब्जॉर्ब कर ले सारा जो हमारे पोर्स का डर्ट है, उसको पोल्यूशन को निकाल लें एंड देन वॉश करेंगे, जिससे और अच्छा इफेक्ट आएगा। अब हल्का सा ठंडे पानी से वॉश करना है, हल्के से ठंडे, हल्का सा ठंडा पानी है, पहले वार्म वाटर से अब हल्के से ठंडे पानी। सो गाइस, फेस वॉश करते ही आपको बहुत फ्रेश फील होगा, मुझे तो हो रहा है, एंड स्किन बहुत क्लीन लगेगी, आपको लगेगा कि हाँ टच करोगे तो हाँ अच्छे से फेस वॉश हुआ है। एंड ये जो प्रोडक्ट है, ये मुस्टैच फेस वॉश, आपको इसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, आप वहां से जाके ले सकते हैं, आप एक बार ट्राई जरूर करें। मैंने आपको रिकमेंड करा तो बेसिकली कुछ सोच के क्या होगा, मैंने यूज करा ही, चले आप भी यूज करें, एक बार ट्राई करें, आपके लिए बहुत अच्छा है, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। एंड ज्यादा ज्यादा मुझे कमेंट डाउन करके बताना आपको और क्या ब्लॉग चाहिए, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन ब्लॉग लाइक रिगार्डिंग टू बियर्ड, हेयर स्टाइल, स्किन एंड एनीथिंग, कमेंट डाउन करके बताना। एंड थैंक यू सो मच, लव यू।